हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। अब संडे का दिन है और खाने का मन है छोले भटूरे, पर इतनी गर्मी में किचन में कौन जाएगा। तो छोले की कोई ऐसी रेसिपी चाहिए जो बहुत ही जल्दी बन जाए और किचन में गर्मी में खड़ा भी ना होना पड़े और मार्केट वाला टेस्ट भी आ जाए, तो ये रेसिपी जरूर देखना। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये छोले जो है, इसमें सारा सामान आपको घर पे बहुत ही आराम से मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिया है 3 टमाटर, 2 प्याज, हरी मिर्चें और अदरक। और प्याज और टमाटर को मैंने एकदम मिक्सी में ग्राइंड कर दिया है। आप चाहो तो आप इसको फाइनली चॉप भी कर सकते हो, बिल्कुल आपकी इच्छा है। अदरक को मैंने ऐसे लंबा लंबा काट दिया है, थोड़ा बिल्कुल भार जैसा बनाने की कोशिश करिए। और जो मिर्ची है मैंने उसमें एक ऐसा चीरा डाल दिया है बस। मैं चाहता हूँ कि ये रेसिपी कोई भी बना ले, तो मैंने यहाँ पर जो मसाला रखा है वो बहुत सिंपल रखा है। आपको लेना है 2 टेबलस्पून छोले मसाला। आप कोई भी छोले मसाला ले जो मार्केट में मिलता है, उसके साथ साथ आप डालें 1 टीस्पून धनिया। और जो मेन चीज़ है यहाँ पर वो है 1 टीस्पून अनारदाना। अगर आपको अनारदाना नहीं मिलता तो आप यहाँ पर अमचूर भी डाल सकते हैं, लेकिन आपके छोले मसाला जो है, यानी कि पैकेट में आप ज़रूर देखना कि उसमें अनारदाना होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि छोले मसाले के पैकेट में अनारदाना होना बहुत ज़रूरी है। और आखिर में मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी ली है और हल्दी पाउडर भी ली है। खड़े मसाले लिए हैं मैंने 1 बड़ी इलायची, 3-4 लौंग के दाने, 1 दालचीनी। क्या बात है, छोले तो छोले मैंने नॉर्मल काबुली छोले लिए हैं, लेकिन ये पिंडी वाले छोले हैं, यानी कि छोटे साइज वाले छोले हैं। और इनको आपको मिनिमम 12 घंटे के लिए रखना है भीगने के लिए। और बाहर जितने भी छोले भटूरे वाले हैं वो यही यूज करते हैं, छोटे वाले। आप चाहो तो आप कोई भी यूज कर सकते हो। अब मैंने एक्चुअल में अपनी कंसल्टेंसी के करियर में छोलों पे शायद सबसे ज़्यादा काम किया है। तो छोलों में जो मैंने जो इंग्लिश वाली वीडियो में बताया था रिएक्शन चाय और सोडे का, एसिड और अल्कलाइन का जो रिएक्शन होता है, वो ही मेजर फ्लेवर देता है जो आपको, जो आप सबको बहुत पसंद आता है, जो भी मार्केट में होता है। तो वो रिएक्शन हम कैसे करेंगे इसमें, बिना टी बैग डाले या ये पोटली भी नहीं बनानी, लेकिन तब भी वो रिएक्शन आएगा, आप देखो कैसे। तो टाइम हो गया पकाने का और इस छोलों के सारे राज को जानने का। तो यहाँ पर मैंने लिया है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर को रखो आप मीडियम फ्लेम पे और आपको यहाँ पर डालना है लगभग 1 करछी तक तेल। और इसमें सबसे पहले हम भुनेंगे अपने ग्राइंड किए हुए प्याज। अब छोलों का जो मेन सीक्रेट है, यानी कि छोलों का बढ़िया टेस्ट तभी आएगा जब प्याज बहुत ही अच्छे से भुने होंगे। मतलब आपको लगेगा कि यार ये बहुत ही अच्छे से, तो नॉर्मल भरत बोलता ही है हमेशा कि अच्छे से भुन दो, लेकिन ये बहुत ही अच्छे जो है ना, ये थोड़ा ज़्यादा बहुत ही अच्छा है, यानी कि आपको काफ़ी देर तक काफ़ी अच्छा भुनना है जिसमें आपको किचन में खड़ा होना पड़ेगा। तो प्याज के साथ साथ आप शुरुआत में ही डालें अपने सारे खड़े मसाले, यानी कि बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी, और बस अब हिलाना शुरू करें और इसको गोल्डन ब्राउन करना शुरू करें। अब आपकी हेल्प करने के लिए, यानी कि इनको अच्छे से पकाने के लिए सही तरीके से, आप देख सकते हो कि ये ब्राउन हो तो गए हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा नीचे से चिपकने लग गए हैं, ऐसे लग रहा है कहीं ये जल ना जाए। तो आप स्टेज पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल दें, इससे प्याज भी बहुत ही बढ़िया तरीके से गलते हैं और इसके ब्राउन होने का जो प्रोसेस है वो और लंबा खिंचता है, यानी कि और फ्लेवर्स डेवलप होते हैं। तो थोड़ा सा पानी डाला मैंने यहाँ पर और इसको थोड़ी देर और भुनने के बाद आप यहां पर डालो अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के आपको थोड़ा सा और भुनना है यहां पर। और फिर आप यहां पर डालो हमारे ग्राइंड किए हुए टमाटर और बस आपको टमाटरों को भी बहुत अच्छे से भुनना है। और आपको तो पता ही है कि जैसे मैंने डालने हैं टमाटर, वैसे ही मैंने यहां पर डाल देना है नमक। तो छोलों में टोटल जितना नमक डालना है वो सारा नमक आपको इसी पॉइंट पर डालना है। यहां पर मैंने 2 टीस्पून नमक डाल दिया है अपने 250 ग्राम छोलों। तो बस जब आपके टमाटर भून जाए, तेल अलग हो जाए, फिर आप यहाँ पर डालो हमारे जो पिसे हुए मसालों का कॉम्बिनेशन था उसको डालो। लगभग आपको 2 से 3 मिनट भुनना है और अभी जो टोटल टाइम हुआ है मेरे को पकाते पकाते, वो एक्चुअल में 12 मिनट हुआ है रिकॉर्ड करते हुए। तो इस 12वें मिनट में मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ हमारे छोले और उसके साथ साथ पानी। बस आपको ध्यान ये देना है कि अगर आपको छोले सही से गलाने हैं तो पानी प्रेशर कुकर में बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सट्रीमली भर के पानी मत डाल देना यहाँ पर। इतना पानी डालना कि वो छोलों को जस्ट टच करने से थोड़ा सा ऊपर हो बस। अच्छा, तो अच्छा, अब रेस्टोरेंट वालों को सीक्रेट भी तो करना है। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा पतीला लिया है, उसमें आप लगभग 1 कटोरी पानी डालना। पानी जैसे ही थोड़ा उबलने लग जाए, थोड़ा गर्म हो जाए, आप यहाँ पर डालना 2 टीस्पून तक चाय पत्ती।
जी हाँ, चाय पत्ती आपने यहाँ पर डालनी है। और चाय जब अच्छे से उबलने लग जाए, यानी कि 1 मिनट के अंदर अंदर ही हो जाएगी चाय अच्छे से उबलने लग जाएगी, चाय को आपने थोड़ा सा काढ़ना है, यानी कि पानी थोड़ा उड़ाना है। जब चाय अच्छे से ब्रू हो जाए, पक जाए अच्छे से, तो आप एक छन्नी लें और चाय के पानी को डायरेक्टली छान के छोलों के अंदर डाल दें, बिल्कुल ऐसे। और जो दूसरा मार्केट का रिएक्शन है वो है बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर मैंने आधा टीस्पून बेकिंग सोडा डाला है और ये देखो रिएक्शन हो गया शुरू, यानी कि एसिड और अल्कलाइन अब रिएक्ट करना शुरू हो चुके हैं। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड से जो हीट प्रोड्यूस होगी उससे छोले तो बहुत ही बढ़िया गलते हैं, लेकिन सच में टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। बस आप प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाओ, सीटी लगाओ और इसको आपने पकाना है लगभग 6 से लेकर 8 विसल्स तक। डिपेंड करता है कि आप कौन से छोले यूज कर रहे हो, प्रेशर कुकर कैसा है, वो शायद आप ज्यादा अच्छे से बता सको, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको 7 सीटी दी है। आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से करना। तो जब 7 सीटी लग जाए या 6 सीटी लग जाए, जैसे भी आपकी हो, आपको बस गैस को करना है बंद। गैस को बंद करने के बाद ये देखो आप पूरे छोले बहुत ही आराम से बहुत ही बढ़िया गले हुए। आपको यकीन नहीं हो रहा ना अभी भी, ये देखो कितने बढ़िया तरीके से गले हुए हैं। एक मिनट, अभी पूरी रेसिपी खत्म नहीं हुई है। अभी आपने यहाँ पर बस एक चीज और डालनी है, वो है भुनी हुई कसूरी मेथी, और आपके छोले भी 95% तक पूरे तैयार हैं। अच्छा, अब आखिरी स्टेप क्या करना है? आखिरी स्टेप बस सिंपल है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा घी गरम किया है, उसमें आपने यहाँ पर डालना है काफी सारी हींग, कटी हुई हरी मिर्च और अदरक, और बस आपका तड़का भी तैयार है। और ये आया तड़का छोलों के ऊपर, और सच में ये बहुत ही लाजवाब, मजा आ जाएगा इस संडे आपको ये बना के। मान गए ना मेरी टेक्निक को, मैं जानता हूँ कि आपने ऐसे छोले बनाए नहीं होंगे। मैं तो क्या करता हूँ कि जैसी विसल के लिए छोड़ता हूँ मैं छोलों को, मैं बिल्कुल आराम से रिलैक्स कर लेता हूँ। और यही तो बेस्ट बात है कि किचन में खड़ा भी नहीं होना पड़ता और टेस्ट भी बिल्कुल मार्केट वाला आता है। ये हुई ना कुछ बात। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि नीचे एक प्यारा सा कमेंट दो कि आपको अगली रेसिपी क्या देखनी है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जान के। और हाँ, एक लाइक का बटन जरूर दबा देना। दोस्तों, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ।